गाइस, वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल देर रात ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ बीपीएससी हैड डिक्लेयर्ड कि आज के बारे में रिजल्ट 67th बीपीएससी मेंस का डिक्लेयर होने वाला है, और आज सुबह ही 67th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और आप देखिए कि कुल कितने लोगों का इंटरव्यू कॉल आया है, 2104 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कॉल आया है। जो भी सफल कैंडिडेट्स हैं, जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको टीम आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम लोग विश करते हैं कि आप लोग अपना मैक्सिमाइज्ड परफॉर्मेंस देंगे, जिससे कि आपको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू आ सके और आप लोगों का सलेक्शन हो सके। और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ जो हार्डकोर डेटा है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखिए कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में 11607 रिजल्ट्स आए थे, और कुछ एडिशनल रिजल्ट्स, अबाउट 8 to 10 एडिशनल कैंडिडेट्स हैड गॉट दी रिजल्ट्स, ठीक है। तो अबाउट 11607 रिजल्ट्स इन प्रीलिम्स हैड बीन गिवन बाय दी बीपीएससी, और इतने कैंडिडेट देयर फोर सक्सेसफुल थे। अब आप देखिए कि 2104 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कॉल आया है। इसका मतलब यह है कि 11607 में अगर आप 2104 को माइनस करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 9000 से ऊपर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। तो आप देखिए कि सक्सेस का रेशियो कितना टफ हो जाता है बीपीएससी के एग्जाम में, सिंस इट इज वन ऑफ द टॉप एग्जाम्स इन बिहार। देयरफोर यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही हाई होता है, और इसीलिए सक्सेस रेशियो आप देखिएगा तो बहुत कम रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं एग्जाम में, और उसके बाद बहुत मेहनत के बाद जाकर सफलता मिलती है। सो वंस अगेन हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव क्लियर्ड द मेन्स एग्जाम। लेट्स टॉक अबाउट दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द मेन्स एग्जाम। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार इंटरव्यू देने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट टाइम वो सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने वाले हैं, ओके। और दूसरे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले भी वो इंटरव्यू सिविल सर्विस का, बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, सो उनके बारे में भी बात होगी। फॉर द फर्स्ट टाइमर्स प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको अभी तो बहुत खुशी हो रही होगी, आप बहुत बहुत हैप्पी महसूस कर रहे होंगे, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आपके दिमाग में होगा, जो कि बहुत अच्छी बातें होनी भी चाहिए। आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी में स्ट्रेटेजी का विशेष ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी, प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरव्यू जो होता है वो मेंस की तुलना में बहुत ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, कॉमन सेंस जो होता है ये यहाँ पर चेक होता है, और देयरफोर आपका इंटेलिजेंस कोशेंट IQ प्लस इमोशनल कोशेंट वो चेक होगा। मेंस एग्जाम में आपके नॉलेज का टेस्ट होता है, लेकिन इंटरव्यू में आपके नॉलेज का बेसिकली टेस्ट नहीं है। यहाँ पर आपका इंटेलिजेंट कोशेंट और इमोशनल कोशेंट का टेस्ट होगा, और जो पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है। टीम आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग वीडियोस लाएंगे और आपको ट्रेन करेंगे ताकि कम एफर्ट में आप अपना मैक्सिमम दे सकें। हमारा यह क्लेम बिल्कुल नहीं है कि आपका स्कोर 90 या 95 आएगा। ऐसा हो सकता है कि 67th जो इंटरव्यू होने वाला है इसमें स्कोर का जो लेवल है वो बढ़े, हो सकता है कि इस बार 105, 110 भी जा सकता है। तो हमारा ये कहना है कि हम यह प्रयास करेंगे कि आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो, आपका जो बेस्ट है वो आपका आ सके। तो हमारा यही प्रयास होगा कि आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आए। हम लोग आपके बायोडेटा के बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। हम लोग कंसिस्टेंटली
बायोडेटा से जुड़े सारे आयाम के बारे में हम लोग स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे और कॉन्क्रीट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको देंगे। इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन दी रूमर्स और एजम्पशंस जो कि इन दी मार्केट फ्लोट करते रहता है, वो नहीं। बायोडेटा से जुड़ा हुआ, उसके अलावा आपको करेंट अफेयर्स जो बहुत ही क्रूशियल होता है इंटरव्यू में, वहां से भी आपको बताएंगे कि किन किन चीजों को आपको ट्रैक करना है। और थर्ड चीज, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, जो डिबेटेबल इश्यू है, जो भी डिबेटेबल इश्यू है उस पर आपका क्या पोजीशन, से फॉर एग्जांपल ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन, से फॉर एग्जांपल द इश्यू ऑफ रिलीजियन जो कि पॉलिटिक्स में जाके इंक्लूड होता है। तो बहुत सारे आयाम हैं, हम लोग साइंटिफिक तरीके से इन सारी चीजों पर बात करेंगे। क्योंकि आपकी इंटरव्यू अगले महीने शुरू होने वाली है, इसीलिए आप अभी से ही तैयारी करें। हमारा हेल्पिंग हैंड आपके लिए आज से ही शुरू हो चुका है। हर दिन हम आपको साइंटिफिक वीडियोस लाएंगे जिससे कि आपका काम आसान होगा और आपके स्कोर मैक्सिमाइज्ड होंगे। नाउ फॉर दोज कैंडिडेट्स हु कुडंट क्लियर द एग्जाम, मीन्स एग्जाम, प्लीज अंडरस्टैंड, जो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं 67 मीन्स एग्जाम, प्लीज डोंट गेट दिस हार्टन्ड, प्लीज डोंट गेट दिस हार्टन्ड, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कि ये एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है आपका जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके 72 में 72 हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म किए हो लेकिन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, ये एक रियलिटी है। देयरफोर जो इंटरव्यू कॉल जिनका आया है, आप उनसे किसी भी एंगल से कमतर नहीं है। इट जस्ट कि यह जो मेंस एग्जाम होता है, दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर, प्लीज अंडरस्टैंड। कई बार होता है अच्छे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दी राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे लक प्लेज अ रोल, लक प्लेज अ रोल, योर ऑप्शनल प्लेज अ रोल, प्लीज अंडरस्टैंड, ऑप्शनल प्लेज अ रोल। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम लोग इन पे भी बात करेंगे। और इसके लिए आप लोग 69th BPSC जो है, इस पर पूरे तरह से फोकस्ड रहिए। 69 प्रीलिम्स आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आपको यहाँ पर डिसहार्टन्ड होने की जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर आगे की ओर देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स इन दी पाइपलाइन है, 69th इन दी पाइपलाइन है, 68 मीन्स का रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। टीम IAS YouTube प्लेटफॉर्म की तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको हेल्पिंग हैंड दिया जाए, और जिनको सफलता नहीं मिली है 67 BPSC मेंस में, उनके लिए भी आगे की स्ट्रेटेजी के तहत 68 का जो मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद हमारी चर्चा होगी। और 69 प्रीलिम्स के लिए तो हमारा काम चल ही रहा है। सो फॉर द टाइम बींग, इट्स गुड बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑफ टीम IAS YouTube प्लेटफॉर्म। हमारे वीडियो को लाइक करें, प्लीज कमेंट, और प्लीज ऑल्सो फॉरवर्ड आवर वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। शॉर्टली हम लोग अगले वीडियो के समक्ष के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। टिल देन गुड बाय।